आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट कैसे करें, या यूं कह सकते हैं आपकी पेटीएम की हिस्ट्री डिलीट कैसे करें। तो दोस्तों, आप YouTube पर वीडियोस देख कर थक गए होंगे, लेकिन आपकी पेटीएम की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट नहीं हुई होगी। तो यकीन मानिए, अगर आज की वीडियो आपने कंप्लीट वॉच कर दी तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ अपने पेटीएम की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करके दिखाने वाला हूं। तो कैसे डिलीट करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना होगा। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आएंगे, तो होम स्क्रीन पर आने के बाद पेटीएम की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में पेटीएम को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप अपने पेटीएम को ओपन करेंगे, तो आपके सामने पेटीएम का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे, स्कैन का टू, मोबाइल का, रिव्यू का टू, बैंक का, बैलेंस एंड हिस्ट्री, रिसीव मनी, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड। तो आपको बैलेंस एंड हिस्ट्री के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप बैलेंस एंड हिस्ट्री के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो पेटीएम की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो होने लग जाएगी कि हमने किस किस को पैसा सेंड किया और किस किस ने हमें पैसा सेंड किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 250 की एक ट्रांजैक्शन हुई है, फिर 25,000 की हुई है, फिर 10 की हुई है, फिर 20 रुपए की, फिर 40 रुपए की, फिर 20,000 की, फिर 400 रुपए की, फिर 15,000 की पेमेंट यहाँ पर रिसीव हुई। दोस्तों, यहाँ पर आपको दोनों टाइप की पेमेंट देखने को मिल जाएगी। किसी ने अगर आपको पेमेंट सेंड किया या आपने किसी को किया, दोनों ही पेमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर हम पेटीएम हिस्ट्री को डिलीट कैसे करें परमानेंटली। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला मोहम्मद ताहिर ने 250 रुपए किया सेंड। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, तो क्लिक करेंगे यहाँ पर मैंने इसको 250 रुपए सेंड किया। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर जो पेटीएम के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, शेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर शेयर होगी, हेल्प पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन आएगा, बट जो पेटीएम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। तो फिर कैसे करनी है, आइए मैं आप बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बैक आना है। तो जैसे ही एक्स्ट्रा बैक आएंगे, आपको फिर यहाँ से बैक आना है। तो जैसे ही बैक आएंगे, वहाँ पर तो आपको पेटीएम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। फिर कैसे करना है, जैसे ही आप पेटीएम को ओपन करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको राइट साइड, लेफ्ट साइड पर टॉप करना पर आपको दिख रहा है अपने पेटीएम के साथ पीछे आपका पेटीएम का जो डीपी। तो आपको अपने पेटीएम की डीपी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपने पेटीएम की डीपी पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा एक क्यूआर कोड कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रोफाइल सेटिंग है, रेफर एंड विन का। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड, दूसरा है हेल्प एंड सपोर्ट का। तो आपको हेल्प एंड सपोर्ट के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप हेल्प एंड सपोर्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ऊपर यूपीआई का, प्रोफाइल का, इंश्योरेंस का, ट्रैवल का, व्यू मोर का। तो आपको व्यू मोर के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप व्यू मोर के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, यूपीआई, मनी ट्रांसफर, प्रोफाइल, पोस्टपेड लोन, मूवी इवेंट। तो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा व्यू ऑल। तो आपको व्यू ऑल के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप व्यू ऑल के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पहला यूपीआई, मनी ट्रांसफर, दूसरा प्रोफाइल। तो आपको प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुल के आने वाला। यहाँ पर बोलेगा, हाई आई एम यूर पर्सनल पेटीएम असिस्टेंट, यानी कि अब ये पेटीएम के द्वारा हमसे बात की जा रही है। बोलता है, व्हाट कैन आई हेल्प विद यू, यानी कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, पेटीएम के द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन देंगे क्या इनमें से आपको कुछ काम है। पहला है आई वांट टू अपडेट माय फोन नंबर, क्या आपको अपना फोन नंबर को अपडेट करना है, नहीं हमें नहीं करना है। आई वांट टू क्लोज डिलीट माय अकाउंट, तो आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपका अकाउंट डिलीट होने वाला नहीं है, बस आपको मैं ये बता रहा हूँ पेटीएम की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कैसे करना है। आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई वांट टू क्लोज डिलीट माय अकाउंट। तो जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बोला प्लीज क्लिक द बटन बिलो द क्लोज योर अकाउंट। तो आपको यहाँ पर क्लोज एंड डिलीट अकाउंट के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लोज एंड डिलीट अकाउंट के आइकन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना है। पेटीएम के द्वारा हमें आंसर आने वाला है, थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर ये देखिए आपको बता रहा है, हमारा पर अकाउंट जो है मतलब लॉग आउट हो गया। तो जैसे लॉग आउट हो जाएगा, आपको प्रोसेस टू क्लोज माय अकाउंट के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रोसेस टू क्लोज माय अकाउंट के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपने जो पेटीएम अकाउंट है क्यों क्लोज करना चाहते हैं, कोई एक रीजन बता दें। तो आपको कोई एक रीजन भी सिलेक्ट कर देना। तो जैसे आप कोई एक रीजन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको क्लोज अकाउंट के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लोज अकाउंट के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपका पेटीएम अकाउंट जो क्लोज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही एक बार आपका जो पेटीएम अकाउंट डिलीट हो जाएगा, तो जैसे ही डिलीट होगा, फिर आपको 24 घंटे के बाद वापस से पेटीएम में अकाउंट बनाना है। तो जैसे आप अकाउंट बनाएंगे, तो अब वो आपकी पेटीएम की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी, वॉश हो गई होगी। तो अब आपकी पेटीएम में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं रहेगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप जो अपने पेटीएम की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे अपने पेटीएम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट नहीं करना है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।